वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं पेरोल में, और पेरोल में ये जो वीडियो है मेरा, ये 9वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 8 वीडियो डाल दिए हैं पेरोल में। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम एक पे हेड को अल्टर करना चाहेंगे, जो कंपनी है जिसके अंदर हमने सारा वीडियो बनाया है। तो पेरोल इन्फो में यहाँ से पे हेड में जाएंगे और पे हेड से अल्टर प्रोफेशनल टैक्स, इसको अल्टर कर लेते हैं। इसके जो स्लैब है, इस स्लैब में जो पीछे का कंडीशन था वो हमने ध्यान नहीं दिया था कि 0 से 10,000 तक कोई अर्न करेगा तो उसका कुछ टैक्स नहीं लगेगा, और यहाँ पे हमने 15,000 डाल दिया था, तो 0 से 15,000 वाले को 110 रुपये यहाँ लग जाता। तो यहाँ पे हमने 0 का, यहाँ 10 से जो 15 कमाएगा 15,000, तो उसको 110 रुपये देना होगा। और फिर जो 15 से 25 कमाएगा 25,000, जो हमने इसके वेबसाइट से दिखाया था, तो उसको 130 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट जो 25 से 40 तक कमाएगा, 40,000 तक, तो उसको 150 देना होगा टैक्स के रूप में, और 40 से अब कमाता है तो उसको 150 देना होगा या 200। ये तो ये सही सेटअप है। चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक है मेरा, वो स्पेशल कुछ पे हेड के लिए है। जो हमने पीछे का जो वीडियो देखा उसमें हमने कुछ पे हेड बनाए थे, जैसे अर्निंग, एम्प्लॉय का अर्निंग, एम्प्लॉय का डिडक्शन, एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन, अभी एम्प्लॉयर पे नहीं आए हैं, एम्प्लॉय पे ही है डिडक्शन, अर्निंग और सिंपल डिडक्शन और स्टेटरी डिडक्शन। तो इसमें कुछ स्पेशल डिडक्शन भी है जो अर्निंग से है और सिंपल से है और स्टेटरी से है, तीनों को मिक्स करके कुछ और भी डिडक्शंस हैं, उसको हमने एक लिस्ट तैयार किया है। और इसमें हम देख सकते हैं जैसे इनकम टैक्स, बोनस, सैलरी एडवांस, रेम्बर्समेंट, ग्रेजुटी। तो ये कुछ पांच पे हेड हैं जिसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स का पे हेड बनाते हैं। पे हेड बनाने के लिए पेरोल इन्फो में जाके आपको पे हेड में आना होगा और यहाँ से क्रिएट करेंगे। इसका नाम है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, और इसमें ये जो होगा ये जाएगा किसके अंदर, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार करके रखा है कि एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन में जाएगा कि एम्प्लॉय का ये कटेगा, तो ये टैक्सेशन वाला एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन, ये इनकम टैक्स के अंदर जाएगा। और यहाँ पे ये करेंट लाइबिलिटी होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने लिख रखी है। यहाँ पे ये करेंट लाइबिलिटी है, अफेक्ट करेगा नेट को, ये डिस्प्ले करेगा, और एज पर इनकम टैक्स स्लैब होगा, और यहाँ पे मंथली हम डिडक्शन करेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पे हेड था। सेकेंड जो पे हेड है वो बोनस है। जब एम्प्लॉयर का इनकम होता है तो वो एम्प्लॉय को बोनस देता है उस समय, तो ये बोनस का हमने एक पे हेड बनाया। उसके बाद ये जो बोनस है उसको बोनस से मैच कराएंगे। उसके बाद इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आप इस लिस्ट को देखेंगे, ऐसे मैं ये आपको लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट पे स्लिप में ये बोनस से यही रिकॉर्ड किया जाएगा, और यहाँ पे ग्रेजुटी को नो रखेंगे, इनकम टैक्स को नो रखेंगे। और ये जो बोनस है ये बोनस किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन टाइप क्या होगी, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप है ये एज यूज़र डिफाइन, यूज़र बताएगा कि कितना देना है और कितना नहीं, तो यहाँ पे एज यूज़र डिफाइन वैल्यू पे करके आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट कराएंगे।
नेक्स्ट जो पे हेड है वो है सैलरी एडवांस का, सैलरी आप एडवांस सैलरी लिख सकते हैं, सैलरी एडवांस। जब एम्प्लॉय आपसे एडवांस सैलरी उठाएगा कंपनी में तो उसको कैसे लगता है, तो इसका जो पे हेड टाइप होगा वो लोन एंड एडवांस हो जाएगा, और इसको लोन एंड एडवांस असेट्स में डालेंगे, अफेक्ट करेगा सैलरी एडवांस, और ये भी यूजर डिफाइंड होगा, आप लिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एडवांस है यही यूजर ही बताएगा, अकाउंटेंट ही बताएगा कि कितना उसको डालना है किस वक्त। नेक्स्ट जो मेरा पे हेड है वो रिम्बर्समेंट है, रिम्बर्समेंट जो है रिम्बर्समेंट का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉई अपने पैसे खर्च करता है और खर्च करने के बाद जो खर्च का ब्यौरा है एम्प्लॉयर को देता है कि हमने ये अपने पॉकेट से खर्च किया है, उसको रिम्बर्समेंट बोलते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है, ऐसी कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉई खुद का पैसा पहले खर्च करता है, उसके बाद एक इनवॉइस जनरेट करके, एक मेमो जनरेट करके अपने एम्प्लॉयर को देता है, अपने अकाउंटेंट को देता है, और अपने पैसे प्राप्त करता है, ट्रैवलिंग का हो या होटल में रुकने का, खाने पीने का, कैंपेनिंग का, इस प्रकार का कन्वेंस का, तो उसको हम रिम्बर्समेंट बोलते हैं। और ये जो इसका जाएगा ये रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉयज, ये वेरिएबल होगा, ये चेंजेस हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिम्बर्समेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट जो है अफेक्ट करेगा ये नाम होगा इसके अंदर, और ये भी यूज़र डिफाइन होगा, क्योंकि ये यूज़र ही बताएगा कि कितना खर्च किसका, यूज़र डिफाइन, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो पे हेड है इसमें ग्रेजुटी का है, तो ग्रेजुटी का बनाते हैं, ग्रेजुटी जो है ये ग्रेजुटी से मैच कराएंगे, और ये ग्रेजुटी बताना पड़ेगा कि कितना देना है, ग्रेजुटी डे ऑफ मंथ, एक मतलब एक महीने में कितने दिन का हम ग्रेजुटी ले रहे हैं, तो 20/6 लेते हैं, 26 डेज का, तो यहाँ पे नंबर बताना है कि कब से लेकर कब तक, और वो कितने दिन का एलिजिबिलिटी मिलेगा। तो ग्रेजुटी है क्या, इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ग्रेजुटी रेफर टू द मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आइदर बाई ए लॉ या अदरवाइज इट इज कैलकुलेटेड प्रोविजनली एट द एंड ऑफ ईच फिनंशियल पीरियड टू एक्सेस टू पॉसिबल लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी टूवर्ड इट एम्प्लॉयज। मतलब जब एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा किसी एम्प्लॉय का तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ अमाउंट मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं कि अगर एक महीना से लेकर 30 दिन तक रहा तो क्या उसको ग्रेजुटी का कुछ मिलेगा, अगर वो 13 महीना से लेकर 24 महीने तक रहा मतलब 2 साल तक कितना मिलेगा, हमने बोला कि 10, तो ऐसा कुछ, अगर वो 25 महीना से लेकर 36 महीने तक रुका 3 साल तक तो कितना, 15, तो ये कुछ है, अगर वो 5 साल तक रुका 12, 4 साल तक रुका 12, 44, 48, तो कितना मिलेगा ग्रेजुटी, और अगर वो 60 साल तक रुका आपके पास मतलब 5 साल तक तो कितना मिलेगा, या 4 साल से अब रुका तो कितना मिलेगा, तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद ये जो ग्रेजुटी है ये है क्या, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो ग्रेजुटी है ये प्रोविज़न है जो हमको उसके रिटायरमेंट के समय देनी है, हर एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, जब वह एम्प्लॉय रिटायर करेगा तभी उसको देंगे, इनकम टैक्स से यस करा सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, नॉर्मल लाइन में रखते हैं 1,
इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पे हेड बनाते हैं स्पेशल वाले कुछ पे हेड। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें इनकम टैक्स का जो हमने पे हेड बनाया है उसका जो अर्निंग है, डिडक्शंस हैं, उस पर कैसे सेटअप किया जाता है, इनकम टैक्स का सेटिंग क्या है पेरोल के अंदर, उसकी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।